नमस्कार दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिप्रेशन हमारे जीवन में तभी होता है जब कोई वजह होती है, कोई एक वजह है या फिर अवसाद बिना किसी खास कारण के भी हो सकता है। यह धीरे धीरे घर करता जाता है। अगर कोई वजह है तो जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं और वही बात आपके दिमाग में चलती रहती है और आप इसके बारे में सोचते रहते हैं और निगेटिव होते चले जाते हैं। दोस्तों, इससे आप निगेटिव और ज्यादा निगेटिव होते चले जाओगे। अगर आपको कोई समस्या है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं उसके बारे में सोच कर, तो उसको पहले आप अपने पेरेंट्स से शेयर जरूर करें। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से इस बारे में बात जरूर करें। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर का दर्द किसी के सामने शेयर करते हो तो मन हल्का होता है, बहुत सुकून मिलता है। और अगर फिर भी आपको राहत ना मिले तो आप अपने पेरेंट्स या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, डिप्रेशन यानी अवसाद एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। अवसाद कई बार थोड़े समय के लिए ही रहता है, कभी यही अवसाद भयानक रूप भी ले लेता है। अवसाद से ग्रस्त लोगों की संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में भी तकरीबन कई लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। दरअसल यह एक मानसिक स्थिति है जिससे लोगों की सकारात्मक सोच की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। अवसाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अपना जीवन निरुद्देश्य लगने लगता है। दोस्तों, जब मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिल पाता और उस पर हमेशा एक दबाव बना रहता है तो समझे कि तनाव ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है। तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है जिनमें एड्रेनलिन और कोर्टिसोल प्रमुख है। लगातार तनाव की स्थिति अवसाद में बदल जाती है। दोस्तों, अवसाद एक गंभीर स्थिति है। हालांकि यह कोई रोग नहीं है बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका शरीर और जीवन असंतुलित हो गया है। दोस्तों, अवसाद को मानसिक बीमारी माना जाता है मगर इसके लक्षण आपको बाहर से दिखाई देते हैं। डिप्रेशन के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं मगर इसमें कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनको पहचाना जा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में 30 करोड़ लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको अवसाद से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अवसाद के लक्षणों के बारे में। किसी काम में मन न लगना। दोस्तों, अवसाद का सबसे प्रमुख लक्षण यही है कि व्यक्ति हर समय परेशान रहता है और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। सामान्य उदासी इसमें नहीं आती, लेकिन किसी भी काम या चीज में मन न लगना, कोई रुचि न होना, किसी बात से कोई भी खुशी का एहसास न होना, यहाँ तक कि गम का भी एहसास न होना अवसाद के लक्षण है। नकारात्मकता। दोस्तों, अवसाद एक तरह से व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता रहता है। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अपना जीवन निरुद्देश्य लगने लगता है। इसके अलावा हमेशा हीन भावना से ग्रस्त होना अवसाद का मुख्य लक्षण हो सकता है। नींद की कमी। दोस्तों, शारीरिक लक्षण जैसे नींद न आना या बहुत नींद आना, बीच रात को नींद खुल जाना और यदि यह 2 सप्ताह से ज्यादा हो तो यह अवसाद के लक्षण होते हैं। अवसाद बिना किसी खास कारण की हो सकता है। ये धीरे धीरे घर करता जाता है और बजाय मदद की कोशिश के लोग इससे संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अवसाद का एक ऐसा प्रकार है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। इस अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में मिश्रित लक्षण नजर आते हैं और यह अवसाद रोगी के काम करने, सोने, पढ़ने, खाने और आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित करके कामकाज में प्रभाव डालता है। कैसे करें डिप्रेशन से बचाव? दोस्तों, कुछ लोगों को जितना भी काम मिलता जाता है लालच में लेते जाते हैं। ज्यादा मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अपने हाथ में काम उतना ही लें जितना आप बिना किसी तनाव में आए समय पर पूरा कर सकें। अपनी क्षमता से ज्यादा ऑर्डर या काम लेने से आप काम करते वक्त तनाव में रहेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके घर वाले भी तनाव में रहेंगे, जिसका बुरा प्रभाव सब पर पड़ेगा और आपके काम की क्वालिटी भी खराब होगी और जिसके चलते आपको अलग से तनाव झेलना होगा। दोस्तों, आप चाहे जितना भी काम करें, कुछ समय के लिए मन बहलाने वाली चीजों में भी मन लगाएं। इससे आप तनाव से बचे रहेंगे, साथ ही साथ आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। आप म्यूजिक सुने, फिल्म देखें, शॉपिंग करें, कोई खेल खेलें दोस्तों या परिवार के साथ, या अपने किसी खास दोस्त के साथ हंसी मजाक या बातें करें, या फिर कहीं घूमने जाएं या किसी अन्य गतिविधि में लिप्त हो जिसमें आपका मन लगता हो। इससे क्या होगा कि जो आपके दिमाग में नकारात्मकता बनी हुई है, आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं और धीरे धीरे आपके दिमाग में सकारात्मकता बनती चली जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपके दिमाग में जो फालतू के विचार आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, वो आपके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। जो आपके दिमाग में है वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब इंसान घर में खाली रहता है, कोई काम नहीं करता या मतलब किसी काम में बिजी नहीं है, तो उसके मन में फालतू के विचार आते रहते हैं। जो नॉर्मल सी बात होती है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको भी बड़ा बना लेता है जो उसको परेशान करती रहती है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को इतना बिजी कर लें जिससे कि आपके दिमाग में ये फालतू के विचार ना आए, और कोशिश करें कि आप अपने आप को खुश रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ने की सोचें। तो
दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। है इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।